हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको चैप्टर टू पढ़ा रही हूँ ग्रुप्स का। इसका आज लेक्चर नंबर 6 है जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी ग्रुप्स की और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं ये ग्रुप की कि ग्रुप के अंदर आप सबको मालूम है आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती ही है। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होती है, मतलब एक ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। आइडेंटिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है, वरना वो ग्रुप नहीं बनेगा। सो देर इज़ वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल प्रूफ है बेटा। देखो जी, कोई भी एक ग्रुप है, सपोज कर लीजिए मैं कहती हूँ कि पॉसिबल है कि एक नहीं एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। तो कितनी आइडेंटिटी आ गई, दो आ गई, ई और ई डैश, मैंने दो आइडेंटिटी ले ली। आइडेंटिटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, ए ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू ए, यही है डेफिनेशन आइडेंटिटी की। जब पहला लेक्चर लिया था ग्रुप का तो आपको बताई, ठीक है। एंड दिस शुड होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ई डैश के ऊपर आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाइए कि इफ ई डैश इज द आइडेंटिटी देन वी मस्ट हैव ई ए ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब क्या करना है बेटा आपको, देखो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इट होल्ड्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। अब ई डैश भी तो जी का ही एलिमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमने लिया हुआ है देर आर टू आइडेंटिटीज ई एंड ई डैश इन जी, तो ये जी से बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो ई डैश भी एक एलिमेंट है जी का। तो ये जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है ई डैश के लिए भी होल्ड करेगी। तो मैं क्या करूँगी, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में ए की जगह ई डैश डाल देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह पे ई डैश डालो फर्स्ट इक्वेशन में, मेरे पास ये आ जाएगा ई डैश इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ई डैश इक्वल टू ई डैश। मैंने इसका नाम रख दिया थर्ड इक्वेशन, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर सेकेंड इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। अब मैं कहती हूँ कि ई भी तो एक एलिमेंट था जी का, ठीक है। तो अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर ए को ई डाल दो। जब सेकेंड इक्वेशन में ए को ई डाला तो मेरे पास आ गया ई इंटू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश इंटू ई इज इक्वल टू ई। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, 3 और 4, ठीक है। अब 3 और 4 को जरा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है ई डैश ई ई डैश के बराबर है, और नीचे फोर्थ इक्वेशन कह रही है ई डैश ई ई के बराबर है। तो इसका मतलब ई और ई डैश आपस में बराबर हो गए ना। तो इसका मतलब मैंने तो कहा था कि दो आइडेंटिटीज़ हैं, पर मुझे पता चला कि वो दोनों आइडेंटिटीज सेम ही हैं, दोनों बराबर थी। इसका मतलब आइडेंटिटी जो होती है यूनिक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है मेरी, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। आपको पता है ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट का। अब मुझे प्रूफ करना है कि वो इनवर्स जो होता है हर एक एलिमेंट का वो यूनिक होता है। एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे, ये मुझे प्रूफ करना है। तो करते हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो ऊपर यूज़ करी थी। देखो मेरे को जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और उसका मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जी, ए का कोई, सॉरी जी का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए। मैं कहती हूँ लेट इफ पॉसिबल इसके जो हैं एक से ज़्यादा इन्वर्स हैं, इसके दो इन्वर्स हैं ए के, ठीक है। उन दो इन्वर्स का मैंने नाम रख दिया बी, और एक नाम रख दिया मैंने सी। मैं कह रही हूँ बी भी इन्वर्स है ए का और सी भी इन्वर्स है ए का, मैं शो कर दूंगी कि बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो आप देखिए, अगर बी और ए आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, इफ़ बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ई। तो ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन का नाम मैंने रख दिया 1। अब ए का इनवर्स एक सी भी है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर डेफिनेशन लगाओ तो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ई। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। मुझे क्या शो करना पड़ेगा, बी इक्वल टू सी, तभी ये यूनिकनेस प्रूफ होगी इनवर्स की, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, बी से काम करना शुरू किया, मैंने बी को कंसीडर कर लिया। आप सबको पता है आई कैन राइट डाउन बी एज बी ई बिकॉज ई इज़ द आइडेंटिटी। तो आपको पता है आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है, उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वापस आ जाएगा, तो बी ई इज इक्वल टू ई बी इक्वल टू बी होता है। तो आपके मैंने बी को बी ई लिख लिया। अब इस ई को मैं लिख सकती हूँ ए सी, ये देखो मेरी जो सेकेंड इक्वेशन मैंने मानी थी उसमें मैंने लिया हुआ ई सी ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ई। सो वट आई राइट डाउन इज आई टेक दिस ई एज ए सी, ठीक है। अब इसमें एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर लो। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है, यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, तीन एलिमेंट लो कहीं पे भी ब्रैकेट लगा लो। तो मैंने इन दोनों पे ब्रैकेट लगा ली, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया। अब बी ए क्या था मेरे पास, देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बी ए मेरे पास क्या है, बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मैंने बी ए की जगह पर आइडेंटिटी डाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास ई आ गया।
ईसी, आप फिर से आइडेंटिटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस मर्जी एलिमेंट से मेरे को मल्टीप्लाई कर दो, मैं वापस कर दूंगी वही एलिमेंट। तो ई सी इक्वल टू सी आ गया फिर से। तो हम शुरू हुए थे बच्चों बी से और हम उसको ले आए इक्वल टू सी पर, तो मेरा आंसर आ गया बी इक्वल टू सी। यही मुझे प्रूफ करना था कि मैंने दो इन्वर्स ले लिए थे ए के, बी और सी, वो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इन्वर्स इज यूनिक। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो कैंसिलेशन लॉस, दो लॉज होते हैं बेटा हमारे पास, राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि ग्रुप के अंदर राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। तो इन लॉज का मीनिंग क्या है, ये देखो, ये लॉज ये कहते हैं जैसे बी ए इक्वल टू सी ए है, इसमें ये देख रहे हो आप ए जो है लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाइड हुआ हुआ है दोनों के, राइट साइड पे, सॉरी, बी और सी के दोनों राइट साइड पे ए मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर सेम नंबर राइट साइड के ऊपर है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास आ जाएगा बी इक्वल टू सी। और मान लीजिए कि सेम एलिमेंट लेफ्ट साइड पे आ जाए, देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए जो है राइट साइड पे है दोनों के, तो राइट साइड पे अगर सेम एलिमेंट हो तो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है और वो भी आपको क्या दे देगा, बी इक्वल टू सी दे देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ए को राइट साइड से काट रहे हो तो ये बन गया राइट कैंसिलेशन लॉ, और लेफ्ट साइड से काटोगे तो बन जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। आपको शो करना है कि ग्रुप अगर आपको दिया हुआ है तो ग्रुप के अंदर ये राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड करते हैं। ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का क्या मीनिंग है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको थोड़ी देर में, पहले प्रूफ कर लेते हैं। और हम तो देखिए, मैंने माना कि मेरे को राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, बी ए इक्वल टू सी ए है। ठीक है, तो मुझे, सॉरी, मैंने माना कि जी ग्रुप है और बी ए इक्वल टू सी ए है, तो मेरे को शो करना है कि ए को राइट साइड से काटा जा सकता है और मेरा आंसर बी इक्वल टू सी आ सकता है। इसे मैं प्रूफ करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बी ए इक्वल टू सी ए ले लिया। ठीक है, अब ए है क्या, ग्रुप का एलिमेंट है, आपको पता है जी से बाहर तो हमें जाना ही नहीं है। तो सिंस ए बिलोंग्स टू जी और जी एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, तो ए का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए का इन्वर्स मैंने लिख लिया ए टू द पावर माइनस वन, ये जी के अंदर ज़रूर होगा। अब ये एग्जिस्ट करता है एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगी, ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसको ए इन्वर्स से दोनों साइड पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इन्वर्स से। ठीक, फिर मैंने क्या किया, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके ए और ए इन्वर्स को इकट्ठा कर लिया, तो मेरे को ये मिल गया। अब ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है इन्वर्स की कि एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी वापस आ जाएगी। तो इन्वर्स की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया तो मेरे पास आ गया बी ई इक्वल टू सी ई। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही एलिमेंट वापस दे देगा, तो बी ई इक्वल टू बी आ गया और सी ई इक्वल टू सी आ गया। तो मेरे पास बच्चों निकल कर आ गया बी इक्वल टू सी। तो मैं शुरू हुई थी बी ए इक्वल टू सी ए से और मैंने शो कर दिया बी इक्वल टू सी, यही मुझे प्रूफ करना था। इसका मतलब राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन अ ग्रुप। बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी से आप शो कर देंगे कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड करते हैं। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कह रहा था कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो आप इस ए को काट सकते हैं और आपको बी इक्वल टू सी मिल जाएगा। सो आई टेक दिस ए बी इक्वल टू ए सी, वट यू डू इज यू प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ग्रुप के अंदर। सो आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, ये ए बी इक्वल टू ए सी को दोनों साइड पे आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। ठीक है, आप प्री मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट यू डू इज यू यूज एसोसिएटिविटी, तो आप जो है एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करें, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करोगे तो यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, तो आपने दोनों साइड पर जो है एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया। अब ए इनवर्स ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अब ई इंटू बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, और ई इंटू सी सी के बराबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो मेरे पास घूम कर बेटा आ गया बी इक्वल टू सी। तो यही मुझे प्रूफ करना था कि मेरा ए बी इक्वल टू ए सी हो तो बी इक्वल टू सी हो सकता है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि राइट कैंसिलेशन लॉज एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज बोथ होल्ड्स इन अ ग्रुप। क्लियर, मैंने कहा कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मे और मे नॉट बी ट्रू, इसका क्या मीनिंग है कन्वर्स का, कि अगर किसी सेट के अंदर राइट कैंसिलेशन लॉज और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रुप बनाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करें बट वो ग्रुप ना हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है नेचुरल नंबर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एन स्टैंड्स फॉर दिस नेचुरल नंबर। बच्चों आपको पता है नेचुरल नंबर के अंदर मान लीजिए मेरे पास ऐसे आ जाए 2 + 3 इज इक्वल टू टू, सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी,
ऐसे आ जाए, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी आ रहा है तो हम ए को काट सकते हैं और मेरे पास ये बी इक्वल टू सी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज और राइट कैंसिलेशन लॉज जो है मेरे नेचुरल नंबर में होल्ड करते हैं, बट आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी मेरी जीरो होती है और जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो एडिटिव आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर पाती, तो नेचुरल नंबर जो है ग्रुप नहीं बनाते, ये सिर्फ सेमी ग्रुप बनाते हैं। दो ही प्रॉपर्टी होल्ड कर पाती है इसके अंदर, क्लोजर और एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो मैंने आपको इसका काउंटर एग्जाम्पल भी दे दिया, राइट। चलिए अब हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं गैलियन की चैप्टर नंबर 2 की। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, गिव टू रीजंस व्हाई द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। ऑड इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है, और ऑपरेशन आपको एडिशन की दी हुई है, आपको बताना है कि क्या ये ग्रुप बनाते हैं। देखो मुझे पता है कि जेड, द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स ले लूँ, ठीक है, तब तो वो ग्रुप बना रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बट क्या मैं उनमें से सिर्फ ऑड इंटीजर निकाल लूँ तो वो ग्रुप बनाएंगे? तो मेरा आंसर है वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं बनाएंगे तो रीज़न देने हैं आपको दो। देखिए सबसे पहला रीज़न, आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। अब जीरो तो ऑड नंबर नहीं है, ये तो इवन है, तो इसका मतलब जीरो डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सो आइडेंटिटी नेवर एग्जिस्ट इन ऑड इंटीजर्स। तो पहली प्रॉपर्टी ये आइडेंटिटी की बना देते हैं हम, कि जिसकी वजह से ये ग्रुप बनने से रह गया। दूसरा देखो बेटा, आपको पता है कि ग्रुप बनाने के लिए हमें क्लोजर चाहिए होता है, तो आप कोई भी दो ऑड इंटीजर ले लो, उनको ऐड करके देखो। तो आप कोई भी दो ऑड इंटीजर लीजिए, सपोज 3 और 5 लिया, उन दोनों को ऐड किया तो इवन इंटीजर आ गया। तो दो ऑड इंटीजर को ऐड करने पे ऑड इंटीजर मुझे नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्लोजर डज नॉट होल्ड इन दिस सेट। तो इसका मतलब क्लोजर भी होल्ड नहीं करती, आइडेंटिटी भी होल्ड नहीं करती है, तो ये ऑड इंटीजर्स जो हैं आपका क्या नहीं बनाएंगे, ग्रुप नहीं बना पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट अंडर द गिवन ऑपरेशन। आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। अब ये सारे क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, मैं सारे ग्रुप्स आपको करा चुकी हूँ। देखिए उसने Z20 की बात करी है, Z20 के अंदर 13 जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स देना है। जरा जल्दी से रिकॉल कर लें सब बच्चे कि Z20 क्या चीज़ है। आपको याद होना चाहिए Z20 इज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 20। तो Z20 के एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो आपके पास Z20 के एलिमेंट 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, 19 तक जाएंगे, ठीक है ना। यही बता रखा है आपको, 0 से स्टार्ट हो जाइए, 20 लिखा तो 20 से एक नंबर पहले तक आपके इंटीजर्स होंगे, तो ये 20 इंटीजर आपको मिल गए। और इसमें ऑपरेशन होती है एडिशन मॉड्यूलो 20। एडिशन मॉड्यूलो का क्या मतलब होता है, दो नंबर को ऐड करो, मॉड्यूलो 20 मतलब 20 से डिवाइड करो एंड टेक द रिमाइंडर, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जेड एन को पूरा आपका प्रूफ कराया, एक जनरल प्रूफ कराया कि जेड एन जो है आपका ग्रुप होता है, ठीक है। तो मैंने उसमें यह भी बताया आपको कि इनवर्स जो होता है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ के इन जेड एन निकालना है तो क्या आता है, इनवर्स एन माइनस के आता है। तो यहाँ पर एन है 20 और के है आपका 13, तो आपको 13 का इनवर्स निकालना है Z20 में, तो क्या करेंगे, 20 माइनस 13 कर देंगे, तो 20 माइनस 13 आ गया 7, तो आपका इनवर्स बन गया 7 Z20 के अंदर। याद रखिए Zn की प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है तो n में से माइनस कर दो, वो उसका इनवर्स होगा, ठीक है। तो चलिए Zn का काम तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा U15। अब आपको रिकॉल करना है सब बच्चों को जल्दी से कि U15 का ग्रुप कौन सा होता है। देखो U15 UN का ग्रुप देखिए क्या होगा, UN होता है आपके पास 1 से लेकर n माइनस 1 तक सारे एलिमेंट लीजिए, ठीक है, सच दैट वो एलिमेंट आपको लेने हैं जो कि n के साथ GCD क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो U14 के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, 1 से 13 तक के एलिमेंट्स होंगे, सच दैट उनका GCD 14 के साथ 1 आना चाहिए, मतलब नो कॉमन फैक्टर विद 14। तो हम 1 से शुरू हुए तो 1 तो आ गई, ठीक है, फिर 2, 2 और 14 के बीच में कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है मेरे पास, ठीक है ना, तो 2 छोड़ दिया मैंने। 3 को देखो, 3 प्राइम नंबर है, 3 का 14 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 3 आ जाएगा। फिर 4 देखिए, 4 और 14 में कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब इनका GCD 1 नहीं हो सकता, तो 4 को छोड़ दिया। फिर ऐसे ही 5 देखिए, 5 और 14 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा 6 है, 7 है, सारे करके देखिए 1 से लेके 13 तक। मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूँ UN के ग्रुप के बारे में, UN का ग्रुप हमेशा 1 से शुरू होता है और n-1 पे ख़त्म होता है, तो 14 है तो 13 पे ख़त्म होगा, ठीक है। और इसके बीच के एलिमेंट आपको वो लेने हैं जो कि ये जो भी नंबर होता है U14 लिखा है, तो 14 के साथ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रखेगा अदर देन 1, ठीक है।
तो ये सारी कलेक्शन आ गई यू 14 के एलिमेंट्स की। अब आपको रिकॉल करना है कि इसमें ऑपरेशन कौन सी लेते हैं हम यू एन ग्रुप के अंदर। इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूफ कराया मैंने आपको, हमारी होती है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 14। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 14 का मतलब होता है दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 13 का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स 13 का निकालना है, आपको पता है कि यू एन ग्रुप होता है तो ये यू 14 ग्रुप है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट तो ज़रूर करेगा। और दूसरी बात, इन्वर्स यू 14 के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब 13 का इन्वर्स इन्हीं 6-7 एलिमेंट में से कोई भी होगा। ये 1, 3, 5, 9, 11, 13 इन्हीं में से कोई एक इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके ट्राई मारते हैं सारों को। पहले मैं इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब 13 के साथ आप इनमें से कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करें और वो ऑपरेशन लगाएंगे आप ये मॉड्यूलो 14 की, तो आपको 1 मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 है। ठीक है ना, तो मेरी इन्वर्स की डेफिनेशन है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब मेरे को क्या करना है, 13 के साथ ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करके देखने हैं, जो नंबर मुझे 1 दे देगा मतलब आइडेंटिटी दे देगा वो इसका इन्वर्स बन जाएगा। तो मैंने एक एक करके करके देखे हैं। देखो 13 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 13 ही आ जाएगा, फिर 13 के साथ 3 को ट्राई किया तो 13 के साथ 3 को ट्राई किया तो 13 3 39 आ गया। आपको पता है कि मॉड्यूलो 14 है, इसका मतलब अभी मुझे डिवाइड करना है इसे 14 से और टेक द रिमाइंडर। तो मैंने इसलिए जब तक मैंने आपको बताया था कि जब तक आप डिवाइड ना कर लिया करें, रिमाइंडर ना ले लें, तब तक ये मॉड 14 लिख दिया करो ऐसे। ठीक है, तो मैंने 39 मॉड 14 निकाला, यहाँ देखो साइड में निकाल के दिखाया हुआ है। आप 39 को 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 2 28, ठीक है, तो जब इसका रिमाइंडर लिया तो 11 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 11। तो मेरे को 1 तो मिला नहीं, तो इसका मतलब 3 कैन नॉट बी द इन्वर्स ऑफ 13। अब फिर 5 को ट्राई किया तो 13 5 65 हुआ, 65 को 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया, मैंने करके दिखा रखा है सब कुछ यहाँ पे, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 9। तो इसका मतलब अभी भी जो है इसका इन्वर्स 1 नहीं आया, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आया, इसका मतलब 5 इज़ नॉट द इन्वर्स ऑफ 13। सेम तरीके से बेटा मैंने 9 को ट्राई किया, ठीक है, 9 को ट्राई किया तो 13 और 9 को मल्टीप्लाई किया, 14 से डिवाइड करा, रिमाइंडर लिया, तो मेरे पास 5 आ गया। मुझे 1 चाहिए, जब मुझे 1 मिल जाएगा तब मैं रुक जाऊँगी, ठीक है ना, तब मेरे को इन्वर्स मिल जाएगा। तो मैंने देखा कि 13 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है रिमाइंडर 1। देखो 13 को 13 से किया तो 169 आ गया, 169 मॉड 14 निकाला आपने, 14 से डिवाइड किया तो ये देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मिली है, ये 1 क्या है, आइडेंटिटी है। तो मतलब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ 13 क्या है, 13 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ट्राई मारेंगे। बस ये बातें याद रखिए कि आंसर जो है वो ग्रुप से बाहर कभी नहीं आएगा। तो इन्वर्स अगर यू 14 के पास है तो वो कहाँ होगा, यू 14 के अंदर ही होगा, तो यू 14 के एलिमेंट्स को ट्राई मार लो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, चलिए आगे देखते हैं बेटा। आप देखिए यू एन की बात कर रहा है, वो पूरा का पूरा ग्रुप ले लिया उसने यू एन, और उसमें एक एलिमेंट होगा एन माइनस वन। आपको बताना है कि एन माइनस वन का क्या इन्वर्स होगा। मैं थोड़ी सी बातें बच्चों, ये ना जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनको लर्न भी कर लो कि यू एन है ना, तो यू एन के अंदर 1 से एन माइनस वन तक के एलिमेंट है, मतलब 1 और एन माइनस वन ज़रूर होगा, और उसमें ना एन माइनस वन का ऑर्डर या एन माइनस वन की पावर 2 रेज करते हैं तो 1 आता है, ये बात याद रख लो, क्योंकि ये बहुत बारी यूज होती हैं। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज चाहे मैं आपको समझा दूंगी, प्रूफ करा दूंगी, बट आपको पता भी होनी चाहिए, लर्न भी करनी है। तो देखो बेटा मुझे n माइनस वन का इन्वर्स निकालना है, इसका मतलब n माइनस वन को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि जब मैं उसे n से मल्टीप्लाई करने के बाद n से डिवाइड करूं और रिमाइंडर लूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि n माइनस वन को n माइनस वन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमारे को रिमाइंडर जो होगा 1 मिल जाएगा। तो मैं करके दिखा देती हूँ, देखो n माइनस वन को n माइनस वन से पहले मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, n माइनस वन स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट खोल दी तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए n से, जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं आपने नॉर्मली डिवाइड किया, ठीक है, सब बच्चे डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर लीजिए, रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब n माइनस वन को n माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करते हैं और मॉड n लेते हैं तो मुझे 1 मिलता है, इसका मतलब n माइनस वन का इन्वर्स कौन हो गया, n माइनस वन। ठीक है बच्चों, याद रखें ये प्रॉपर्टी, क्योंकि यू 14 था, यू 14 में 13 पे रुके थे आप, तो 13 का इन्वर्स इसीलिए 13 आया था क्योंकि वो n माइनस वन वनथ एलिमेंट था उसका। ठीक है, अब इसी जैसा ना बेटा बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, तो वो यहीं कवर कर देते हैं।
क्वेश्चन 20 में ये था कि शो दैट देयर आर एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन यू एन दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। तो देखो अभी अभी आपने देखा कि एक्स को अगर मैं एन माइनस वन डाल दूँ तो एन माइनस वन का स्क्वायर करके मैंने आपको दिखाया कि वन आता है ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो एन माइनस वन ही हो गया यू एन के अंदर, और दूसरा एलिमेंट होता है वन। देखो आइडेंटिटी है वन, एक्स को वन डालो इसमें तो आपको पता है वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आ जाएगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट ढूंढने थे मुझे यू एन के अंदर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, तो वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक वन और एक एन माइनस वन, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों। चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। हमारे से पूछा गया कि 3 - 2i का क्या इन्वर्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऊपर स्टार लगा देने का मीनिंग होता है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आप और मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन है इसके अंदर, तो आपको बताना है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्रुप है उसमें 3 - 2i का क्या इन्वर्स होगा। देखो इन्वर्स क्या होता है कि 3 - 2i को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो इन्वर्स ऑफ 3 - 2i क्या होगा, 1/3 - 2i। बट 1/3 - 2i इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट नाउ, तो मुझे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इसको ऊपर नीचे 3+2i से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने इसको ऊपर नीचे 3+2i से मल्टीप्लाई कर दिया, अब नीचे इसके अंदर आपने खोली ब्रैकेट इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया, नाउ इट इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ, सो इट इज एन वेरी मच एन एलिमेंट ऑफ सी स्टार। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि 3 - 2i का जो इन्वर्स है वो ये होगा 3/13 + 2/13 ऑफ i, तो इन्वर्स मुझे मिल गया 3 - 2i का, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे वेरीफाई करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वन आता है, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना, वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप वेरीफाई करें, बट मैं चाहती हूँ कि आप कर ले वेरीफाई, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमने इन्वर्स निकाला हर एलिमेंट का। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स ए एंड बी विद द प्रॉपर्टी दैट ए इनवर्स बी ए इज नॉट इक्वल टू बी। आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है किसी ग्रुप का जिसके दो एलिमेंट लो तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करे, ए इनवर्स बी ए इज नॉट इक्वल टू बी। थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ये ए इनवर्स जो है लेफ्ट साइड पे है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये बनाएगा ए बी, तो यानी कि ये बोल रहा है कि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिविटी जिसमें होल्ड ना करती हो ऐसा आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो इसका मतलब मुझे नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल लेना ले लेना चाहिए। अब बेटा ग्रुप थ्योरी के अंदर ना नॉन एबिलियन ग्रुप के ना जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैट्रिसेस और दूसरा एग्जाम्पल आपका डाईहेड्रल ग्रुप का बनता है, ठीक है, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डाईहेड्रल ग्रुप अभी मैंने आपको कराया नहीं है, तो हम इसको कोशिश करते हैं मैट्रिसेस से करने की। तो आप सबको मैंने मैट्रिसेस का एक ग्रुप बताया था जिसका हमारा एक स्पेशल नाम था जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर्स। तो GL2R इज द नोटेशन फॉर दैट, दिस जी स्टैंड्स फॉर जनरल, एल स्टैंड्स फॉर लीनियर। तो मैंने ग्रुप लिया जनरल लीनियर ग्रुप, टू स्टैंड्स फॉर 2x2 मैट्रिसेस, आर मीन्स उसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर से आती है, और आपको पता है कि ये इसके अंदर डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो अदरवाइज इन्वर्स नहीं मिलता। तो मैंने लिख दिया कि मैंने जी को GL2R का ग्रुप लिया है और इसमें ऑपरेशन होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, क्लियर। अब मैंने इसके दो एलिमेंट ले लिए ग्रुप के मैट्रिसेस के अंदर, कोई भी दो ऐसे मैट्रिसेस ले लीजिए 2x2 मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो मैंने ये दोनों ले लिए, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये देखो हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स बी ए इज नॉट इक्वल टू बी। बस आप इस स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए वाला मैट्रिक्स डाल दो, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी वाला मैट्रिक्स डाल दीजिए। सब बच्चों को इन्वर्स निकालना आता है, सब बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं, जो इसमें मांगा गया वो कर दो। मैंने पहले इन्वर्स निकाला फिर ए इन्वर्स बी ए निकाला, आपने देखा कि ए इन्वर्स बी ए जो है बी के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेटा जब भी कभी आपको नॉन एबिलियन की कोई प्रॉपर्टी लेनी हो ना तो सबसे पहले मैट्रिसेस और एक डाईहेड्रल ग्रुप दो के बारे में सोचा करें, वहां से एग्जाम्पल क्रिएट किया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों क्वेश्चन। ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशंस इनटू एडिटिव काउंटर पार्ट्स, एज्यूम दैट द ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। मतलब वो ये कह रहा है कि इसने जो ये एक्सप्रेशंस हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को माइंड में रख के बनाई गई हैं, आप बताइए कि ये ऑपरेशन अगर एडिशन में लेनी होती तो क्या होती। तो देखो बेटा हमारे पास है ए स्क्वायर बी क्यूब, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का,
कि आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई के निशान को हटाकर उसकी जगह पर एडिशन का निशान लगा दें, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए, पावर जो है ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय ए। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में समझा दूँ आपको, पहले ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय ए, और मैंने आपको कहा है कि मल्टीप्लाई को हटा के प्लस लगा दो, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस ए, इसका मतलब हो गया टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पावर होती है, पावर बिकम्स मल्टीपल इन द एडिटिव नोटेशन। तो जो भी कोई पावर होगी वो तो मल्टीपल बन जाएगी, और जो भी मल्टीप्लाई का निशान होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसका एडिटिव काउंटर पार्ट लिखेंगे। बस इतनी सी बात याद रखिए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर बी क्यूब, अब ए की पावर है टू, तो इसको तो पावर को मल्टीपल बना दीजिए इसका, तो टू ए बन गया। ऐसे ही बी की पावर है क्यूब, तो बी क्यूब बन जाएगा थ्री बी, और ए स्क्वायर और बी क्यूब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का बन जाएगा प्लस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, टू ए प्लस थ्री बी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए आपके पास ऑपरेशन है ए की पावर माइनस टू और बी माइनस सी होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दीजिए और पावर को मल्टीपल एंगल बना दीजिए, मल्टीपल बना दीजिए, तो ये माइनस टू तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस टू ए बन गया। ऐसे ही ये टू है, बी इनवर्स सी के ऊपर है टू, तो टू को इधर निकाल दीजिए तो आ जाएगा टू इंटू बी इनवर्स सी, ठीक है। अब ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी जगह प्लस का निशान आ जाएगा इन दोनों के बीच में। दूसरी बात, बी माइनस वन है ना, बी की पावर माइनस वन है, तो ये माइनस वन बी मल्टीपल बनेगा बी का, तो माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर, ऐसे थर्ड वाला पार्ट भी कर लीजिए बेटा। ये देखो ये माइनस थ्री पावर में है, पहले इस पावर को आगे ले आइए, ठीक है। फिर ये ए और बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको ऐड कर दीजिए। अब बी और बी की पावर टू है, तो इसको टू बी बना दीजिए। ऐसे ही ये वाली पूरी ब्रैकेट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बीच में प्लस का निशान लगा दो, सी स्क्वायर को टू सी लिख दो, ठीक है, तो ये मेरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। क्लियर, चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप विद द प्रॉपर्टी दैट फॉर एनी एक्स वाई जेड इन अ ग्रुप एक्स वाई इक्वल टू जेड एक्स इम्प्लाइज वाई इक्वल टू जेड प्रूव दैट जी इज एबिलियन। थोड़ा सा प्रॉपर्टी को ना ध्यान से देखो, ये क्या है क्या रहा है, ये आपको कह रहा है कि अगर एक्स वाई जेड एक्स के बराबर हो, तो ये जो x लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के ऊपर सेम एलिमेंट है, इसको आप काट दें। देखो अगर ये x दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई हो रहा होता फिर काटते, या दोनों तरफ x जो है पोस्ट मल्टीप्लाई होता और फिर काटते, तो बनते राइट कैंसिलेशन लॉज एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज। फिर उसको तो हमने प्रूफ किया कि राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन ग्रुप्स में होल्ड करते हैं। इस क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि अगर एक x जो कॉमन एलिमेंट है, x है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर, अगर x राइट साइड पे हो दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे हो और आप उसको तब भी कैंसिल कर पाए, तो वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। तो जब राइट यहाँ पर x, देखो इस वाली साइड पर तो राइट x जो है लेफ्ट साइड पर है, और यहाँ पर x जो है राइट साइड पर है, और आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड से x को काट लें, तो ग्रुप एबिलियन बन जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो ये मैं कह रही हूँ कि अगर किसी ग्रुप में लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, तो वो ग्रुप एबिलियन होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटा बहुत आसान प्रूफ, मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स, दोनों बिल्कुल सेम है। यूज़ करो एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी कहती है यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर। तो इस वाली एक्सप्रेशन में मैंने वाई एक्स पे ब्रैकेट लगा दी, इधर वाले में एक्स वाई पे लगा दी। अब जो गिवन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि x को लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो। करो कैंसिल, इधर से x को कैंसिल करो और इधर से इसको करो, गिवन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। इधर से x को लेफ्ट साइड से कैंसिल करो और इधर से x को राइट साइड से कैंसिल करो, तो मेरे पास क्या बच गया, वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई। तो जब एक्स वाई वाई एक्स के बराबर आ जाता है, तो क्या बन गया, ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर एबिलियन ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो क्या है ये, कि ए बी की पावर अगर एन है, तो ए एन बी एन आप उसको लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब जी आपका एबिलियन ग्रुप होगा। अगर ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, देन ए बी टू द पावर एन इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू ए एन बी एन, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना है, एंड हेयर एन बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, हर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सबके लिए ये ट्रू होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, सारों के लिए करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एन इक्वल टू जीरो पे देखते हैं क्या है।
जब मैं इनको जीरो डालूंगी तो ये क्या बनेगा, देखो लेफ्ट साइड बन जाएगी ए बी टू दी पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, ठीक है। अब राइट साइड पे देखो ए जीरो बी जीरो, ठीक है। अब ए एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन या आइडेंटिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी लिख लो इसको, है ना, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड पे ई ई आ गया, तो इसका मतलब रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली फॉर एन इक्वल टू जीरो। जीरो के लिए तो प्रूफ हो गया। अब मुझे इसे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करना है, तो व्हाट आई विल बी यूजिंग इज, मैं पहले पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू करूंगी। पॉजिटिव के लिए मैं इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो पहले मैं इंडक्शन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू कर रही हूँ। तो इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले एन इक्वल टू वन के लिए होल्ड कराइए इसको। तो जब मैं एन को वन डालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी टू दी पावर वन, और इधर आ जाएगा ए की पावर वन और बी की पावर वन, तो मेरा दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। तो वन के लिए तो रिजल्ट होल्ड कर गया ऑब्वियसली, ठीक है। फिर मैंने इंडक्शन हाइपोथीसिस यूज़ करी। इंडक्शन कहता है पहले वन के लिए रिजल्ट दिखाओ कि ट्रू है, फिर इंडक्शन दिखाओ कि एज्यूम कर लो कि के एन इक्वल टू के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, देन शो कर दीजिए एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी होल्ड करता है, तो इंडक्शन से इट होल्ड्स फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो मैंने इंडक्शन हाइपोथीसिस ले ली, लेट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इक्वल टू के, तो इसका मतलब हो गया ए बी टू द पावर के इज ए के बी के, ठीक है। मुझे शो करना है कि रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए बी की पावर के प्लस वन ले ली, ठीक है। और मैं शो करूंगी इट इज इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस वन बी टू द पावर के प्लस वन। तो देखो बेटा, कंसिडर करो ए बी के प्लस वन को कंसिडर कर लिया, कंसिडर करने के बाद आपने इसको खोल लिया, तो ये आ गया ए बी टू द पावर के इन टू ए बी। अब क्योंकि इंडक्शन हाइपोथीसिस कहती है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल के, तो ए बी की पावर के को मैंने लिख दिया ए के बी के, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए, पहले एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया, तो ये ब्रैकेट इकट्ठी हो गई बी के इंटू ए। अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है जी एबिलियन है, अगर एबिलियन है तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, तो मैं इस बी के ए को लिख सकती हूँ ए इंटू बी के, तो मैंने लिख दिया। फिर दोबारा से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी साइड ब्रैकेट लगा लीजिए, तो मैंने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया, तो ये आ गया मेरे पास। अब ए के ए को मैं लिख सकती हूँ ए के प्लस वन, और बी के बी को लिख सकती हूँ बी के प्लस वन। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। तो रिजल्ट अगर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए होल्ड करता है, तो इंडक्शन कहती है रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर, या फिर आप बोल सकते हो जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपके नेचुरल्स ही होते हैं। तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए रिजल्ट होल्ड कर गया। अब मुझे शो करना है कि रिजल्ट होल्ड्स फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। तो बेटा जब भी ऐसे काम करने हो तो क्या करते हैं हम, एन को माइनस एम ले लो वेयर एम इज ग्रेटर देन जीरो। अब एम ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब एम एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब रिजल्ट होल्ड फॉर एम, इसका मतलब ए बी की पावर एम लूंगी तो ए एम बी एम आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे किसके लिए प्रूफ करना है, एन के लिए। तो मैंने कंसिडर किया ए बी टू दी पावर एन, इस एन की वैल्यू डाल दी माइनस एम, ठीक है। फिर क्या किया, इस एम को अंदर कर लिया, माइनस वन को बाहर कर लिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब ए बी की पावर एम किसके बराबर होगा, ए एम बी एम, क्योंकि रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इक्वल टू एम। वाई, बिकॉज एम तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो मैं प्रूफ कर चुकी हूँ ऊपर की रिजल्ट होल्ड करता है, तो मैंने इसलिए ए बी की पावर एम को लिख लिया ए एम इंटू बी एम, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दो एलिमेंट का इन्वर्स ले रही हूँ, ये प्रॉपर्टी बेटा मैंने अभी आपको प्रूफ नहीं कराई है कि ए बी का इन्वर्स जो होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, मैं अभी थोड़ी देर में प्रूफ करा देती हूँ, ठीक है। तो मैं जब इसका ए एम बी एम का इन्वर्स लूंगी तो ये किसके बराबर आएगा, बी एम इन्वर्स इंटू ए एम इन्वर्स, ठीक है बच्चों। तो ये इसके बराबर आ गया। अब बी एम इन्वर्स को मैं लिख सकती हूँ बी इंटू, ये देखो बी एम इन्वर्स ए एम इन्वर्स यहाँ पे मैंने उतार लिया है इस, क्योंकि जी एबिलियन है तो मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकती हूँ कॉम्यूटेटिविटी से, तो मैंने उसको लिख लिया। अब ए एम इन्वर्स हो गया ए माइनस एम, बी एम इन्वर्स को मैं लिख सकती हूँ बी माइनस एम, एम माइनस एम की जगह पे एन लिख दिया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ए बी की पावर एन इज ए एन बी एन। तो इट मीन्स दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। तो मैंने जीरो के लिए प्रूफ कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ कर दिया, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ कर दिया, इसका मतलब रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल एन, ठीक है। ये कब हुआ, जब जी एबिलियन है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी मेरी बन गई है। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अगर नॉन एबिलियन ग्रुप होगा तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो बच्चों नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, या तो मैट्रिसेस या फिर डाइहेड्रल ग्रुप। तो डाइहेड्रल ग्रुप है डी फोर, मैंने अभी आपको कराया नहीं है डाइहेड्रल, जब कराऊंगी तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बाकी जितने बच्चों को पता है डाइहेड्रल वो सुन ले। डाइहेड्रल ग्रुप डी फोर के अंदर आठ एलिमेंट होते हैं बेटा, जिसमें चार रोटेशंस होती हैं और चार रिफ्लेक्शन होती हैं।
ये एलिमेंट होते हैं चार, ये आर से जो लिखी गई हैं ये रोटेशन है, और ये एच वी डी डी डैश आपके रिफ्लेक्शंस हैं। इसके अंदर जो टेबल बनती है वो आपको लर्न करनी पड़ती है कि या फिर कर करके देखो हर बारी के क्या ऑपरेशंस हैं। मैंने क्या किया, ए को ले लिया आर और बी को ले लिया वी, तो आर वी का स्क्वायर करो। मैंने एन की वैल्यू लिया 2, ठीक है, आर वी होता है डी के बराबर, तो डी का स्क्वायर हो गया, डी का स्क्वायर होता है आपका आर नॉट, ठीक है। तो मेरा ए बी की पावर 2 तो एक तरीके से आ गया आर नॉट। अब ए 2 और बी 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मैंने आर स्क्वायर और वी स्क्वायर निकाला, तो आर स्क्वायर और वी स्क्वायर होता है आर नॉट, तो आर स्क्वायर इंटू आर नॉट आ गया आर स्क्वायर। तो आपने देखा आर वी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर वी स्क्वायर। इसका मतलब अगर नॉन एबिलियन ग्रुप हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी टू दी पावर एन इज ए एन बी है। तो याद रखें कि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होल्ड सिर्फ तभी करता है जब ग्रुप आपका एबिलियन गिवन होता है, ठीक है। ऊपर वाला प्रूफ करने में मैंने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, मैंने कहा था कि मैं करा दूंगी, तो मैं अब आपको करा देती हूँ कि कोई भी ग्रुप होगा तो उसके अंदर ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब पीछे से चलता है इन्वर्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को ना बेटा सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो जब भी आप शूज़ पहनते हो तो पहले सॉक्स पहनते हो और फिर शूज़ पहनते हो, और जब उसको उतारते हो तो क्या करते हो, पहले शूज़ उतरेंगे और फिर सॉक्स उतरेगी। तो ये देखो ए को मानो सॉक्स, बी को मानो शूज़, सॉक्स और शूज़ इन्वर्स, मतलब इनको उतारो, जब इनको उतारोगे तो क्या होगा, बी थे शूज़ तो पहले शूज़ उतरे, ठीक है ना, फिर ए है सॉक्स, सॉक्स उतरेगी। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है सॉक्स शूज़ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सॉक्स शूज प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। तो याद रखें ये ग्रुप के अंदर होल्ड करती है, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं जरा जल्दी से। तो बहुत आसान है बेटा, देखो आपको प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब आप उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मतलब जब मैं ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये शो कर दूंगी कि ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिलता है। जब मैं ए बी को राइट साइड, बी इनवर्स ए इनवर्स को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी तो राइट इनवर्स की प्रॉपर्टी बनेगी, जब लेफ्ट साइड पे करूंगी तो लेफ्ट इनवर्स की प्रॉपर्टी बनेगी। आपको पता है कि इनवर्स के लिए दोनों शो करने जरूरी है। तो मैंने क्या किया, कंसिडर कर लिया ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स को, कंसिडर कर लिया मैं प्रॉपर्टीज याद इस्तेमाल करके ग्रुप की शो कर दूंगी कि ये आइडेंटिटी के बराबर है। तो मैंने इसको कंसीडर किया, अब आप सबको दिख रहा है ये बी और बी इनवर्स इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने बी और बी इनवर्स को इकट्ठा कर लिया बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी। अब बी और बी इनवर्स होते हैं आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो मैंने इसकी जगह लिख लिया ई। अब आप ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई तो आइडेंटिटी है, तो डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी कहती है कि मैं वही एलिमेंट वापस कर दूंगी मुझे जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो इस ई ने ए को वापस कर दिया तो ए आ गया। अब ए और ए इनवर्स फिर से बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी होते हैं, तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो मुझे पता चला कि मैंने ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स ऑफ ए बी। सेम तरीके से बेटा आप शो कर दीजिए कि ये इसका लेफ्ट इनवर्स भी है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे एसोसिएटिविटी डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी यूज़ करके ये भी हो जाएगा। तो जब राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स दोनों हो जाएँ तो वो इनवर्स बन जाएगा। तो मुझे पता चला कि इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए बी के ऊपर जब मैंने इनवर्स का निशान लगाया तो क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा याद रखें। अब देखो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी बातें और सिखा दूँ आपको। देखो वो कह रहा है कि अगर कोई नॉन एबिलियन ग्रुप आपको दे दिया जाए तो ऐसा हो सकता है नॉन एबिलियन ग्रुप के अंदर ए बी इनवर्स जो है इनवर्स बी इनवर्स आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दो, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इट मे बी ट्रू, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हमने फिर से वही डायहेड्रल ग्रुप का एग्जाम्पल लिया। मैं तो जब भी नॉन एबिलियन आएगा या तो मैट्रिसेस का एग्जाम्पल लूंगी या फिर डायहेड्रल का लूंगी। तो मैंने डायहेड्रल ग्रुप का लिया एग्जाम्पल, इसमें ए को मैंने ले लिया आर स्क्वायर और बी को ले लिया मैंने एच, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए, ये जो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स है ना, इसमें वैल्यू डालो। पहले मैंने ए बी इनवर्स निकाला, देखो ए की जगह डाला आर स्क्वायर और बी की जगह पर डाला एच। आर स्क्वायर एच होता है बच्चों आपका वी, तो वी का इनवर्स होता है वी, ठीक है। रिफ्लेक्शंस के इनवर्स सेल्फ इन्वर्टिबल है, सारी रिफ्लेक्शन सेल्फ इन्वर्टिबल है, राइट। ऐसे ही फिर आपने ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स निकाला, उसमें वैल्यू डाल के निकाल दो। जब आप डायहेड्रल ग्रुप सीख लोगे उसकी टेबल देखो कि कैलीस टेबल, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से निकालनी आ जाएंगी। तो आपने देखा कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर आ गया आपका, ठीक है। यही उसने एग्जाम्पल मांगा था कि नॉन एबिलियन ग्रुप के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये बराबर हो जाए।
दूसरा देखो इसी का ही काउंटर पार्ट क्या है। इसने कहा कि अब ऐसा एग्जाम्पल दो कि जब ए बी की पावर माइनस टू रेज करे तो वो बी माइनस टू ए माइनस टू ना आए, क्योंकि मेरी ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है ना वो यही है कि ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिर से मैंने डायहेड्रल ग्रुप का एग्जाम्पल लिया। अब ए को ले लिया एच और बी को ले लिया आर, आप इसमें डालिए पहले ए बी की पावर माइनस टू में, तो ए की जगह एच डाल दिया, बी की जगह आर डाल दिया, एच और आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डी आता है, डी की पावर माइनस टू है तो इसको मैं लिख सकती हूँ डी टू इंटू माइनस वन। अब डी स्क्वायर आर नॉट होता है तो आर नॉट आइडेंटिटी है, उसका इन्वर्स लेंगे तो आइडेंटिटी वापस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड पे है बेटा बी इन माइनस टू ए माइनस टू, इसमें भी वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कीजिए सब बच्चे अपने आप डायहेड्रल ग्रुप की टेबल देख के, तो आप देखेंगे कि ये आर स्क्वायर आ रहा है। तो आपको पता चला ये दोनों वैल्यूज जो है लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई, तो हमने लिख दिया दिस दे आर नॉट इक्वल। क्लियर, और चलिए आगे देखो। प्रूव दैट जी इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स इज ए इनवर्स बी इनवर्स। देखो अभी अभी मैंने आपको ऊपर प्रूफ कराया है कि ए बी इनवर्स जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि बाई चांस अगर ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर आ जाए तो वो जी एबिलियन होगा, और इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों साइड से रिजल्ट होल्ड करता है, कन्वर्स भी ट्रू है। तो देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। मैंने लिया पहले कि लेट जी बी एबिलियन, मैं शो करूंगी कि ए बी इनवर्स जो है ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर है। तो आप देखिए अभी तो आपने प्रूफ किया कि अगर जी ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो ए बी इनवर्स में सॉक्स शूज प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और मुझे पता है वो किसके बराबर आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आता है। बट जी तो एबिलियन है, एबिलियन है तो उसके अंदर कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है तो ये कहता है कि इसको उल्टा कर लो, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, इनवर्स बी इनवर्स कर दिया, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब जो मुझे प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब मैं इसका कन्वर्स प्रूफ करूंगी। कन्वर्स क्या कहता है कि ए बी इनवर्स अगर ए इनवर्स बी इनवर्स है तो जी एबिलियन होना चाहिए, एबिलियन मतलब उसमें कॉम्यूटेटिविटी होनी चाहिए, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए मुझे प्रूफ करना है। तो देखो बेटा करेंगे क्या, गिवन कंडीशन से शुरू हो जाओ। मुझे गिवन कंडीशन दे रखी है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इसको बेटा प्री मल्टीप्लाई कर दो ए बी से दोनों साइड पे, तो आई मल्टीप्लाई इट बाय प्री मल्टीप्लाई इट बाय ए बी ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो जब ए बी से आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इधर देखो जरा ये लेफ्ट साइड पर ए बी को ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आपको कहती है कि वो आइडेंटिटी दे देगा आपको, तो ए बी को ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने में मुझे आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो मेरी ये एक्सप्रेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, देखो इधर आपको ए बी तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे बी ए चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है ना, तो मैं क्या करूंगी अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई, ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बी ए से ऑन बोथ द साइड्स। तो देखो ए के साथ भी बी ए लग गया और इसके साथ भी बी ए लग गया। अब बस वही काम करना है, एसोसिएटिविटी वगैरह आइडेंटिटी इनवर्स की डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। देखो e इंटू बी ए तो होगा बी ए बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, और इस साइड पे मैंने क्या किया ये b इनवर्स b इकट्ठे जब भी दिखाई देने लगे ना ऐसे तो इनको हमेशा एसोसिएटिविटी से इकट्ठा कर लिया करो, एसोसिएटिविटी लगा दी। अब डेफिनेशन ऑफ इनवर्स का इस्तेमाल करेंगे तो b इनवर्स b e आ जाएगा। अब a आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो a इनवर्स e जो है आपका a इनवर्स होगा, और फिर a इनवर्स जब a के साथ इकट्ठा होगा तो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अब देखो ए बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी को वो वही एलिमेंट वापस कर देती है। तो मेरे पास आ गया बी ए इक्वल टू ए बी, इट मीन्स दैट कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन द ग्रुप। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन दिस क्वेश्चन, तो इसका मतलब जी एबिलियन आ गया। क्लियर बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब एक एलिमेंट का जो इनवर्स है उसको दोबारा से इनवर्स ले लोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, ये कह रहा है। ध्यान से देखो बेटा ये कह क्या रहा है आपको, ए इनवर्स और उसका इनवर्स, इसका मतलब ये आपसे ये कह रहा है इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। ठीक है, अब इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए मतलब जब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए, तो मैंने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि आइडेंटिटी आना चाहिए, तो ये तो बड़ी ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, ये तो हमें मालूम ही है ना, दिस होल्ड्स ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये ट्रिवियली होल्ड कर गया आपका, तो ये ऑब्वियसली होल्ड करता है, तो ए इनवर्स इनवर्स क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे चलते हैं। इसने आपसे ये कहा कि अगर ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू द ग्रुप तो आपको इनवर्स निकालना है, ए वन मल्टीप्लाइड बाय ए टू मल्टीप्लाइड बाय ए थ्री मल्टीप्लाइड बाय ए एन, इस पूरे का आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसका इन्वर्स निकालना है, अभी अभी आपको बताया कि ये जो इन्वर्स होता है इसके अंदर सॉक्स शूज प्रॉपर्टी लगती है,
मतलब पीछे से इन्वर्स निकलना शुरू होता है। तो निकालिए ए वन ए टू ए एन का इन्वर्स क्या होगा, पहले ए एन का इन्वर्स लोगे, फिर उससे पहले वाले एलिमेंट का लोगे तो ए एन माइनस वन का इन्वर्स लोगे, फिर उससे पहले वाले का लोगे तो ए एन माइनस टू का इन्वर्स लोगे। तो ऐसे करते करते आप पहले एलिमेंट तक पहुंचोगे तो क्या आ जाएगा, ए टू इन्वर्स इधर ए वन इन्वर्स, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने बेटा आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करवा दिए हैं, इसके एक्सरसाइज के मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब अभी ख़त्म नहीं हुई है एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।